कोंडागांव जिले के फरसगांव ब्लॉक अंतर्गत सभी ग्रामों में स्थित अटल चौक पर आज 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर सुशासन दिवस मनाया गया, जिसमें सर्वप्रथम अटल बिहारी वाजपेयी के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम शुरू किया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रवीर सिंह बदेशा ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती को भारतीय जनता पार्टी सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की देन है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया, जिससे छत्तीसगढ़ की जनता का विकास हुआ और यहाँ के नागरिक प्रगति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज 25 दिसंबर है अटल जी का जन्मदिन। आज के दिन भारतीय जनता पार्टी सुशासन दिवस के रूप में मनाती है और अब छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार हो गई है और आज जो छत्तीसगढ़ का विकास हुआ है, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया और आज छत्तीसगढ़ की जो इतनी उन्नति हुई है, यदि ये छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बनता तो पिछले कई दशकों से छत्तीसगढ़ का इस क्षेत्र का जो विकास नहीं हुआ था, राज्य बनने के बाद जो विकास हुआ है उसके लिए हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, पूर्व प्रधानमंत्री जी को याद करते हैं, क्योंकि आज जो छत्तीसगढ़ की स्थिति है, यहाँ के जो किसान संपन्न हो रहे हैं, यहाँ के नागरिक आगे बढ़ रहे हैं, वो अटल जी की देन है और अब माननीय मोदी जी ने उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पूरे देश के साथ छत्तीसगढ़ के विकास का भी जो वादा किया है और उसका उदाहरण हमको आज दिखने लग गया। आज अटल जी की जन्म दिवस पर 2 साल का बोनस 14-15 और 15-16 का बोनस किसानों को। कोंडागांव से रामकुमार भारद्वाज की रिपोर्ट।